कि इसके कारण हमारे परिवारजनों का, मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, आईवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज, वाटरवेज हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश काम न करता हो। पिछले 9 वर्ष में तटीय क्षेत्रों में हमने, आदिवासी क्षेत्र में, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में विकास को बहुत बल दिया है। हमने पर्वतमाला, भारतमाला ऐसी योजनाओं के द्वारा समाज के उस वर्ग को हमने बल दिया है। हमने गैस की पाइपलाइन से हमारे पूर्वी भारत को जोड़ने का काम किया है। हमने अस्पतालों की संख्या बढ़ाई है, हमने डॉक्टर की सीटें बढ़ाई है ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। हमने मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया है, अब मातृभाषा में वो पढ़ाई कर सके उस दिशा में। और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्मा आज बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई परिवारजनों, आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का एक कार्यक्रम शुरू किया है। और वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव, हमने उस पूरी सोच को बदला है। वो देश का आखिरी गांव नहीं है, सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गांव है। अगर सूरज उगता है पूरब में तो उस तरफ के गांव में पहली सूरज की किरण आती है, अगर सूरज ढलता है तो इस तरफ के गांव में आखिरी किरण उसका लाभ मिलता है। ये मेरे पहले गांव है और मुझे खुशी है कि आज मेरे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। पहली बार वो इतनी दूर तक आए हैं, नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ जुड़ने के लिए आया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमने संतुलित विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक की कल्पना की और आज उसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। आज राज्य के जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कभी बहुत पीछे थे, वो आज राज्य में भी अच्छा करने लग गए हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये हमारे आकांक्षी जिले, हमारे आकांक्षी बोल अवश्य आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था, भारत का चरित्र की चर्चा कर रहा था तो मैंने पहला कहा था भारत की एकता, दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें, तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जैसे रीजनल एस्पिरेशन, मैंने चौथी बात कही थी, पांचवी महत्व की बात, और भारत ने उस दिशा में जाओ और वो है हमारा राष्ट्रीय चरित्र विश्व मंगल के लिए सोचने वाला होना चाहिए। हमें देश को इतना मजबूत बनाना है जो विश्व मंगल के लिए भी अपनी भूमिका अदा करे। और आज कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से संकट की घड़ी में देश ने दुनिया की मदद की, उसका परिणाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में है, विश्व का अटूट साथी के रूप में आज मेरे देश की पहचान बनी है। हमें जब विश्व मंगल की बात करते हैं तब भारत का मूलभूत विचार है, उस विचार को हम आगे बढ़ाने लोग हैं। और मुझे खुशी है कि आज अमेरिकी संसद के भी कई चुने हुए गणमान्य प्रतिनिधि भी आज हमारे 15 अगस्त के इस अवसर में हमारे बीच में मौजूद है। भारत
कि सोच कैसी है, हम विश्व मंगल की बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम जब सोचते हैं तो क्या कहते हैं, हमने दुनिया के सामने ये दर्शन रखा है और दुनिया उस दर्शन को लेकर के हमारे साथ जुड़ रही है। हमने कहा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है, आज दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा हमारा अप्रोच होना चाहिए वन अर्थ वन हेल्थ, समस्याओं का समाधान तभी होगा जब मानव को पशु को पौधे को बीमारी के संबंध में समान रूप से एड्रेस किया जाएगा, तब जाकर के हम करेंगे। हमने G20 समिट के लिए दुनिया के सामने कहा है वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, इस सोच को लेकर के चल रहे हैं। हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकट से जूझ रही है, हमने रास्ता दिखाया है, लाइफ मिशन लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। हमने बायोडायवर्सिटी का महत्व देखते हुए बिग कैट अलायंस की व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया है। हमने प्राकृतिक आपदा के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है उसके लिए दूरगामी व्यवस्थाओं की जरूरत है, और इसलिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI एक समाधान के रूप में दुनिया को दिया है। विश्व आज समुद्रों को संघर्ष का केंद्र बना रहा है, तब हमने दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया है जो वैश्विक समुद्री शांति की गारंटी बन सकता है। हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बल देते हुए WHO का एक ग्लोबल लेवल का सेंटर हिंदुस्तान में बनाने की दिशा में काम किया है। हमने योग और आयुष के द्वारा विश्व कल्याण और विश्व के स्वस्थता की दिशा में काम किया है, और आज भारत विश्व मंगल की मजबूत नींव डाल रहा है। इस मजबूत नींव को आगे बढ़ाना हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेवारी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, सपने अनेक है, संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नियत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसके समाधान के लिए मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूं। मैं लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है, और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंभीरता पूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृतकाल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए।